सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रशांत सोनी JBBNL को स्टेट अपने भर्ती के लिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रशांत सोनी JBBNL में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बता ही दिया था कि क्लास में DMRC के लिए स्टार्ट होने वाला है आपका 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से आपका स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। MCQ टाइप क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन हैं और ऐसे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप अपनी सो पहुँच भी नहीं पाते हैं। अपन वहाँ तक एग्जाम में देखते हैं भाई ये आ कहाँ से गया, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पद कहाँ कहीं हर प्रीवियस क्वेश्चन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के लाऊंगा ना कि कहोगे भाई मजा ही आ गया यार। तो बस आप तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब छोड़ दो, हो जाए तो कर दो, कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता, मैं ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है। तो आप लगे रहिए अपनी मेहनत में। और कोई भी भाई ये भ्रम ना फैलाए कि सीट बिक जाएंगे, ये बिक जाएंगे, OBC में कम है, ST में कम है या जनरल में कम है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीट ऐसे नहीं बिकती हैं, और बिक जाएंगी तो तुम्हें पता नहीं है। अगर बिक जाएंगी तो भी तुम्हें पता पड़ने वाला नहीं है, नहीं बिकेंगी तो भी पता पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी मेहनत पर लगे रहो यार, पूरा पूरा फोकस करो अपनी स्टडी पर, ठीक है। हर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे ही किसी को कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 20 दिसंबर से रात को 8 बजे हर एक वीडियो अपलोड होगी रोज। वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन सीरीज ऐसी होगी, इतनी मस्त होगी कि आप कहोगे कि यार ये भी क्वेश्चन थे क्या टेक्निकल में जो हमने पढ़े ही नहीं, ये भी थे क्या, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसे बोलोगे आप एक बार जो ऐसे में क्वेश्चन को क्या है DMRC के JBBNL के और जितने भी टेक्निकल एग्जाम हो गए सब में से क्वेश्चन को पुटअप करके ला रहा हूँ मैं। अपनी एक सीरीज बना के उसमें PDF डाल दिया करूँगा। PDF से पढ़ना है PDF देख लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं उसको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। और एक JBBNL ग्रुप में चल रहा है, उसमें तो मैं खुद उसमें 7 बजे एक टेस्ट डालूँगा, हर रोज एक टेस्ट डालूँगा 7 बजे शाम को। तो वो आपको वो मैं उसमें टेस्ट डाल दूंगा, आपका टाइम रहेगा 50 मिनट का, उसमें 75 क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, तो वो आपको सॉल्व करने हैं और अपने नंबर बताने हैं, ठीक है। या कोई हमारे ग्रुप एडमिन से जैसे केशव हो गया, हरिओम भाई है, विक्की भाई है और भी हैं हमारे में, तो वो उनको भी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे ना आपके लिए टेस्ट रूप में, टेस्ट हम डालेंगे ग्रुप में, आपको सॉल्व करना होगा, आप अपने नंबर बताइएगा हमें। तो इससे अपना ये पता चलता है कि हमारी तैयारी यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए यार, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको भी। मैं खुद DMRC का स्टूडेंट तैयारी कर रहा हूँ यार, 2016 से 2018 के बैच का स्टूडेंट हूँ मैं यार खुद, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को, प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। बुक मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है, बुक मैंने आपको बता ही दिया है ये। और कोई भी यार लेटेस्ट मत पढ़ो यार, अभी तो लेटेस्ट मत पढ़ो यार, एग्जाम में अभी तो टाइम है यार 3-4 महीने का, तो लेटेस्ट अभी से पढ़ रहे हो यार, क्या यार अपना नींव ही कमज़ोर रहेगी तो यार मकान कहाँ से बनेगा उस पर, तो ऐसा मत करो यार। लेटेस्ट क्यों पढ़ते हो, लेटेस्ट जैसे ज्ञान नहीं मिलता है, रटंत विद्या बोलती है, रटंत विद्या पठंत नहीं, रटने वाली चीज़ नहीं है यार, समझो उस चीज़ को। आजकल जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना अंदर से आ रहे हैं यार, और जो MC ये अपन जो पढ़ते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें कहाँ बेस धरा है यार, तो ऐसा मत करो यार, अपने आप को धोखा देना बंद करो यार, ठीक है। और क्लियर लाइक फैक तो चलता ही रहेगा, करो तो ठीक, मत करो तो ठीक यार, चल नहीं तो सब चल रहा है वो, ठीक है दोस्तों।